हे गाइस, देखो, एक छोटा सा पेनी स्टॉक था, बहुत छोटी कंपनी है, बहुत क्या मतलब, बाप रे बाप, ये कंपनी 1,000 गुना भी हो सकती है, इतनी छोटी कंपनी है ये। अगर ये मान लेते हैं कि इसने आपके पैसे को 1,000% करके दे दिया, फिर भी पता है क्या होगा? कुछ नहीं, नॉर्मल, कुछ हुआ ही नहीं है ऐसा। रिलायंस अगर 10% का भी रिटर्न निकाल के दे दे तो बवाल बन जाता है, इस बात पे बवाल बन जाता है। ये इतनी छोटा पेनी स्टॉक है, इतना छोटा पेनी स्टॉक है कि आपका पैसे का 1,000% भी अगर रिटर्न निकाल के दे दिया तो मतलब समझो कि एक मच्छर को मार दिया गया, बस इतना ही खबर है। और गवर्नमेंट ने इस कंपनी को ऑर्डर दिया है, गवर्नमेंट ने इस कंपनी को ऑर्डर दिया है, इस वजह से ये स्टॉक जो है भागना भी स्टार्ट कर रहा है। लेकिन 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 मैंने क्या बोला, ध्यान से सुना आप लोगों ने, मैंने क्या बोला कि ये पैसा, ये जो कंपनी है, आपके पैसे को 1,000% भी कर दे तो भी कितनी बड़ी खबर होगी? ये इतनी बड़ी खबर होगी कि किसी ने एक मच्छर को मार दिया, इतनी बड़ी ही खबर होगी, बस एक नॉर्मल। लेकिन ये आपके पैसे को अगर जीरो कर दिया, ख़त्म कर दिया, तो भी इतनी बड़ी ही खबर रहेगी कि एक मच्छर को मार दिया गया। इतनी छोटी कंपनी है, मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। फिर भी इन्फॉर्मेशन के लिए, नॉलेज के लिए आपको बता दिया जा रहा है। तो कभी भी किसी स्टॉक को बताने से पहले उसका रिस्क मैं आपको बता देना चाहता हूँ। रिवॉर्ड तो सभी लोग जानना चाहते हैं, लेकिन रिस्क कोई नहीं जानना चाहता। लोग चाहते हैं कि मैं 1 रुपया से धरती का मालिक बन जाऊँ, कोई ऐसा स्टॉक बता दो, मतलब पूरे पृथ्वी को खरीद लूँ, इतना एक ऐसा स्टॉक बता दो, और कुछ नहीं। लेकिन ये डूब जाए तो फिर लोगों को हजम नहीं होता। तो याद रखिएगा कि आप जितना बड़ा रिटर्न चाहते हैं उतना बड़ा आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए रिस्क बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिवॉर्ड तो सभी लोग जानना चाहते हैं, ठीक है। बताया जा रहा है यहाँ पर, पेनी स्टॉक हिट 5% अपर सर्किट आफ्टर इट रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की तरफ से। तो जो भी है, स्किल ट्रेनिंग बताया जा रहा है, वर्थ 15 मिलियन रुपए की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये जैसे ही खबर आई ना, ये स्टॉक भागना स्टार्ट कर दिया। तो आइए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि कौन सा वो स्टॉक है। ये है कंपनी का नाम NMS रिसोर्स ग्लोबल, ये कंपनी का नाम है, और इसी कंपनी को जो है ये मिला है, ठीक है ना। ये देख लीजिए, यही है। यहाँ पर इस कंपनी के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया जा रहा, गूगल में कोई भी जानकारी नहीं दिया जा रहा। इसका मार्केट कैप कितना है, पी रेशियो कितना है, डिविडेंड यील्ड कितना है, एटलीस्ट मार्केट कैप तो देना चाहिए था। ये इस वजह से नहीं दिया जा रहा क्योंकि ये कंपनी बहुत छोटी है, ये एक आम आदमी भी इतना बड़ा कंपनी बना सकता है। इस कंपनी का वैल्यू केवल 15 करोड़, केवल 15 करोड़ है, केवल 15 करोड़। और ये पहले तो 10 करोड़ का ही था, 10 करोड़ का ही था सर पहले। अभी अभी ये थोड़ा बहुत और चलना स्टार्ट किया, नीचे से कितना परसेंट का रिटर्न निकाल के दिया है। हाँ, पहले तो ये समझ लीजिए 7 करोड़ का ही था कंपनी, केवल 7 करोड़ का था। सोच लीजिए, एक मतलब एक डेवलप एरिया में 7 करोड़ रुपए तो किसी के पास भी होते हैं भाई, डेवलप एरिया में, अर्बन एरिया में बोल रहा हूँ। ये है कंपनी, देख लीजिए, 14.7 करोड़, 15 करोड़ का भी नहीं है। और कंपनी का पी यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो 49 का, मतलब थोड़ा सा महंगा है, थोड़ा सा महंगा है। बुक वैल्यू बताया जा रहा है कि भाई 4 रुपए के हिसाब से है यहाँ पर। तो ये है कंपनी के बारे में कुछ जानकारी। कंपनी वाज इनटू फूड प्रोसेसिंग, पहले ये जो कंपनी है केवल फूड प्रोसेसिंग के लिए जाना जाता था, ऐसा है। लेकिन अब जो ये कंपनी बताया जा रहा है कि बहुत सारा काम करता है, सिविल कंस्ट्रक्शन, प्री इंजीनियर बिल्डिंग्स आपको बताया जा रहा, स्किल डेवलपमेंट के लिए, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी के लिए, और बहुत बहुत सारी चीज़ों के लिए जो है कंपनी अब काम करना स्टार्ट कर दिया। मार्केटिंग सप्लाई के लिए, टेलीकॉम प्रोवाइडर के लिए, मतलब ये चारों तरफ से ये कंपनी जो है काम करना स्टार्ट कर दिया। कंपनी ने मर्जर भी कर रखा है क्योंकि बहुत छोटी कंपनी, इस वजह से इस कंपनी के पास केवल 7 करोड़ का डेट है और 15 करोड़ का वैल्यू बताया जा रहा, मतलब आधा इस कंपनी के पास कर्ज है। जहां तक कि रिज़र्व की बात करते हैं सर, तो रिज़र्व है 2 करोड़ का, लेकिन नेगेटिव में है, मतलब समझो एकदम बहुत छोटी कंपनी है, कुछ भी हो सकता है। ये कंपनी ने एक कंपनी के साथ एग्रीमेंट भी कर रखा है भाई, चीज़ों को प्रमोट करने के लिए, सही है। इनके यहाँ पर जो बैटरी स्वैपिंग स्टेशन है ना, उनके बारे में पूरी जानकारी देना है, कैसे क्या करना है, ट्रेनिंग देना है, और उस कंपनी के लिए पूरा प्रमोशन करना है, उसके लिए भी कंपनी ने यहाँ पर देखो 5 साल के लिए लगभग जो है ये मतलब इनके साथ भी काम कर रहे हैं। बहुत छोटी कंपनी है लेकिन काम करने की कोशिश कर रही है बड़े लेवल पर।
और ये जो कंपनी है आपको ज़्यादातर बीएससी में आपको ढूंढने से आराम से मिल जाएगा, क्योंकि बहुत छोटी कंपनी है ना, तो एनएससी में इतनी छोटी कंपनी को रजिस्टर्ड नहीं किया गया होगा मे बी, ये मेरा मानना है, लेकिन हाँ बीएससी में आपको मिल जाएगा। तो कंपनी जो है अभी मल्टीपल वर्क करने की कोशिश कर रही है, कंपनी का कोई ऐसा कोई कोर बिज़नेस नहीं है जिसके ऊपर कंपनी पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, पूरी तरीके से कोई इनका एक कोर बिज़नेस नहीं है। हाँ कंपनी चारों तरफ से जो भी बिज़नेस इनको मिल रहा है वो सभी बिज़नेस में यहाँ डालने की कोशिश कर रहे हैं और छोटे छोटे लेवल पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने आपको बताया है कि ये कंपनी 100 गुना भी हो जाए तो किसी को कोई टेंशन नहीं है, 5 गुना भी हो जाए तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ये कंपनी अगर 0 भी हो जाए तो भी किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ख़रीदना नहीं है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं था, लेकिन एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। कहाँ तक जाएगा, कहाँ जाकर रुकेगा, ये बोलना भी बहुत मुश्किल है। और अगर स्टॉक मार्केट में नहीं तो अपना डीमैट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर डीमैट अकाउंट फ्री होगा, डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपीज़ लगेगा, वो भी इंट्राडे में। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, मिनटों में जाकर अपने डीमैट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं।